रहीम, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आई होप यू ऑल आर फाइन इन योर होम इंशाल्लाह। टुडे वी हैव कम हियर टू लर्न न्यू टॉपिक। सो वी हैव आवर बुक इकरा प्राइम ग्रामर बुक वन एंड दिस इज आवर लेक्चर नंबर टू। स्टूडेंट्स, हमने जैसे पिछले लेक्चर में हमने यूनिट नंबर वन पढ़ा था लिंकिंग वर्ब्स, नाउ वी हैव यूनिट नंबर टू। द नेम ऑफ यूनिट नंबर टू इज देयर आर। ओके, हम इस यूनिट में क्या करेंगे, हम इस यूनिट में देयर इज और देयर आर का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, देयर क्या है, देयर एडवर्ब है। एडवर्ब किसी भी काम को शो करता है कि वो कैसे, कब, क्यों हुआ। ठीक है, सो यहां पर देयर इज और देयर आर, हमें पता है, वी नो दैट इज शो सिंगुलर, यानी इज क्या बताता है, एक के बारे में, और आर देयर आर क्या बताता है, प्लूरल। प्लूरल हमें पता है, हम पढ़ चुके हैं प्रेप में भी, प्लूरल जमा। ठीक है, नाउ लेट्स हैव द एग्जांपल हियर। देयर इज अ वाइट कैट अंडर द टेबल। अब ये अंडर द टेबल को ये देयर बता रहा है। ठीक है, यानी देयर इज अ वाइट कैट अंडर अ टेबल, वहां एक सफेद बिल्ली है। कहां, एक सफेद बिल्ली मेज के नीचे है। कितनी बिल्लियां हैं, हाउ मेनी कैट्स, सिंपली और ओनली वन कैट। अ, हमने वाउल पढ़ा था ना, आर्टिकल्स पढ़े थे उसके साथ, वाउल्स के साथ आर्टिकल्स, अ शोज वन सिंगुलर। ठीक, ओके, लेट्स कम टू द आर। देयर आर, लेट्स हैव द एग्जांपल हियर। आर किसको शो करता है, मोर देन, आर शोज मोर देन वन, यानी एक से ज्यादा नाउन को शो करता है। देखिए एग्जांपल, देयर आर टू कैट्स अंडर द टेबल, हाउ मेनी कैट्स, अ, नो, वेरी गुड, टू कैट्स, टू मींस दो, यानी एक से ज्यादा कैट्स हैं। तो हमने क्या इस्तेमाल किया, लिंकिंग वर्ब आर, दैट मींस इज शोज सिंगुलर एंड आर शोज प्लूरल, इज इट, वेरी गुड, एक्सीलेंट। लेट्स हैव द एक्सरसाइज हियर। वी हैव एक्सरसाइज हियर एंड वी विल फाइंड आउट डिफरेंस बिटवीन इज आर। अब मुझे आप बताएंगे कि इसमें क्या फर्क है दोनों में। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड इट एंड देन वी विल फाइंड द डिफरेंस। हम पहले पढ़ेंगे और उसके बाद इसमें जो फर्क है उसको हम बताएंगे। देयर इज अ वाइट रैबिट इन माई यार्ड टूडे। अगेन, देयर इज अ वाइट रैबिट इन माई यार्ड टूडे, वन लिटिल रैबिट वॉन्ट्स टू प्ले, हियर इज अनदर रैबिट, से हेलो, देयर आर टू वाइट रैबिट्स इन माई यार्ड टूडे। ओके, जस्ट फाइंड द डिफरेंस इन फर्स्ट, जस्ट फाइंड द डिफरेंस। देयर इज अ वाइट रैबिट इन माई यार्ड टूडे, वाई वी हैव यूज्ड हियर इज, अब हम डिफरेंस तलाश करते हैं। Okay, read with me and find the difference. There is a white rabbit. कितने rabbit हैं? एक. तो एक के लिए which linking verb comes here? Yes, singular means is. Here one little rabbit wants to play. एक चाहता है वो खेलना. Here is another rabbit. Another rabbit also shows singular noun.
एंड व्हाट वी हैव डन हियर, हमने यहाँ पे क्या किया, हमने फिर लिंकिंग वर्ब इज इस्तेमाल किया क्योंकि दिस नाउन इज सिंगुलर एंड दिस नाउन इज ऑल्सो सिंगुलर. लेट्स कम टू हाउ मेनी रैबिट्स वी हैव. यस देयर आर टू वाइट रैबिट्स. हाउ मेनी रैबिट्स, टू वाइट रैबिट्स एंड टू मीन्स टू शोज plural noun. Here I have written, okay, first. Here two white rabbits shows कि यहाँ पे एक से ज्यादा rabbits हैं. So linking verb are comes here. ठीक है. So let's have the difference between if noun is singular. So what we will do? We will write. हम क्या करेंगे और हम क्या लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे इज बिकॉज ऑफ ए. ए शोज वन. ठीक. ओके लेट्स कम टू द अनदर. यस इट्स इज दिस क्लियर. अब ये क्लियर हो गया कि इज हम एक सिंगुलर नाम के लिए. अब व्हाट अबाउट द देयर. अब देखिए देयर, देयर क्यों इस्तेमाल हुआ है. ये देयर शोज यार्ड. यार्ड उस जगह को बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है, निशान निशान नहीं कर रहा है. यार्ड मतलब सहन, या जैसे एक पीछे कोई जैसे लोग पौधे वगैरह भी लगा देते हैं तो वो. इज इट क्लियर. चलो हाउ मेनी रैबिट्स वी हैव. वी हैव देयर आर टू रैबिट वाइट रैबिट्स इन माय यार्ड टुडे. वहां मेरे पास कितने होंगे वहां पर यार्ड में. Let's come to the next one. Now here quickly we will do it. Okay, clearly because I have explained you. Let's come to the. Yes, there is a white kitten in my yard. Okay, how many kitten? One. Where? In my yard. One little kitten wants to play. Kitten means जी बिल्कुल बिल्ली के छोटे बच्चे को कहते हैं. और rabbit को क्या कहते हैं? खरगोश. Here is another kitten. Say hello. So there are two white kittens in my yard. As it is, you can check it according to your first example. जो हमने पहली example की है उसी के जरिए से हम दूसरी example को भी समझ रहे हैं. ठीक है. There are two white kittens in my yard today. Is it clear? यहाँ पे हमने very good. We have done excellently कि हमने इसको बहुत अच्छी तरह से कर लिया. And I hope you will do exercises given on page number 10. You will do homework. You will do exercises given on page 10. आपकी बुक पे page number 10 में exercises दी हुई हैं. I hope you will do it. Stay safe, stay home, and do recite Quran and Subah Sham ki Dua. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.